भाई ये वीडियो को डिमांड्स बहुत सारे लोग कर रहे थे कि भाई हम अपने फ़ोन को इतना सिक्योर रखें, यानी कि मेरा जो डाटा है, जो सारा डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, फ़ोन का हर एक एक्सेस दूसरे बंदे के पास ना जा पाए, वो भी कैसे, यानी कि सिंपल सकें भाई कि हमारा फ़ोन कोई हैक ना कर पाए एंड साथ में हमारा कोई डिटेल्स एंड कोई डाटा कोई दूसरा बंदा पर दूसरा पर्सन ना देख पाए। तो भाई वीडियो को ध्यान से देना भाई। आपका जो आप व्हाट्सएप तो आजकल हर एक बंदा यूज करता है, साथ साथ में बात करें तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड भाई फेसबुक सब लोग आजकल यूज करते हैं। बाकी हर एक घर में एक एंड्रॉयड फ़ोन है भाई। लेकिन मैं बात करूं भाई अपने फ़ोन को इतना सिक्योर रख सको ताकि दूसरा बंदा आपके फ़ोन को ना तो ट्रैक कर सके, ना तो हैक कर सके, ना तो कोई भी डाटा आपका लीक कर सके। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देना, वीडियो को पसंद आए तो दिल से लाइक करना, मन से कमेंट करना, प्यार से भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा एक डिमांड है कि आप लोग अपने फ़ोन को इतना सिक्योर रखो एंड कैसे अपने फ़ोन को सिक्योर रखें, बचा के रखें दूसरे पर्सन से, दूसरे भाई से, कि भाई मेरा कोई भी डाटा लीक ना हो भाई। क्योंकि अगर आपको कोई भी डाटा लीक होता है, बाई चांस आपका फ़ोन हैक हो जाता है, बिल्कुल आपको पता नहीं चलता, वहाँ से दोस्तों आपको फ़ोन अगर हैक पता है तो दूसरा बंदा आपके फ़ोन साथ कुछ भी कर सकता है, फ्रॉड की जो काम, और आप जान नहीं पाओगे। इस प्रकार आप मोबाइल चलाओगे, चलाने के बाद मोबाइल इस प्रकार आप रख दोगे, रखने के बाद दोस्तों अगर आपका फ़ोन हैक है तो दूसरा पर्सन कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों इसके बाद बिल्कुल इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि अपने फ़ोन को हम लोग कैसे बचाएं दूसरे से। एंड भाई आप भी व्हाट्सअप से वीडियो कॉलिंग बातें करते होंगे, वॉइस कॉल बात करते होंगे, फ़ोन कॉल बात करते होंगे, अपना डाटा एक दूसरे के साथ शेयर करते होंगे व्हाट्सअप के जरिए या किसी और के जरिए। दोस्तों वो सारा डाटा कोई थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, कोई दूसरा पर्सन देख सकता है, वो भी कैसे, एक ऐप के जरिए से दोस्तों, वो भी कैसे। तो बस वीडियो को ध्यान से देना, स्किप करते हो तो भाई आपका लॉस होगा, इसमें मेरा कुछ नहीं होगा भाई। मेरा तो डिमांड था कि भाई मैं अपने ऑडियंस को, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज देने की कोशिश करूं कि वो अपने फ़ोन को हैक होने से कैसे बचाएं, सिक्योर होने से कैसे बचाएं, ताकि यार मेरे ऑडियंस, मेरे यूट्यूब फैमिली का कोई भी डाटा दूसरा पर्सन लीक ना कर पाए, हैक ना कर पाए। इसीलिए भाई इस वीडियो का डिमांड मेरा यही था। बाकी मैं भाई रात भी परेशान था, रात भर परेशान था कि भाई मैं अपने ऑडियंस को कैसे बताऊँ कि भाई उनका भी फ़ोन पूरी तरह से सिक्योर रहे, हैक कोई नहीं कर पाए। तो दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पसंद आता है लास्ट तक तो दिल से लाइक करना, मन से कमेंट करना एंड भाई के चैनल को शेयर करना, साथ में सब्सक्राइब तो जरूर करना, क्योंकि आपको सोशल मीडिया का नया नया अपडेट चाहिए, हर एक अपडेट तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि भाई आपको सबसे पहले नया अपडेट मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं सबसे पहले बात करूँ, आप कहीं जाते होंगे बाई चांस, बगल कहीं टूर पर जाते होंगे या आप कोचिंग जाते होंगे, कहीं पर जाते होंगे, ऑलमोस्ट यानी कहीं भी आप मान लीजिए कहीं पर आ जाते होंगे, उसके साथ साथ में भाई अपने फ़ोन को अपने पास, अपने जेब में, कहीं पर अपने हाथ में लेके चलते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली भाई। आपका फ़ोन, आपका भाई, बाई चांस मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, कोई बगल का है भाई, कोई दूर का है, कोई तीसरा पर्सन है, कोई आपको रास्ते में बाई चांस मिल गया, बोला कि भाई आप इस एप्लीकेशन का यूज कीजिए, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस ऐप का अगर आप यूज करेंगे, तो भाई आप क्या करोगे, आप लालच में आ जाओगे इसकी, उस एप्लीकेशन को तुरंत डाउनलोड कर लोगे। बाई चांस आपको कोई नहीं मिला, आपको कोई फ्रेंड है या आप किसी ग्रुप में हो, उस ग्रुप से आपका नंबर निकाला गया, कोई फ्रॉडगिरी का काम करता है भाई, आपका नंबर भाई आपके पास कॉल किया या आपके पास मैसेज किया और आपके पास क्या किया, इस ऐप का लिंक आपके पास शेयर कर दिया आपके व्हाट्सएप पे, और उससे बोला आपसे कि भाई इस ऐप को डाउनलोड करो, यहाँ से आपको ऐसे बेनिफिट होगा, ऐसे बेनिफिट होगी, इससे आपको अच्छी खासी अर्निंग होगी, यहाँ से आपका फ़ोन हैंग नहीं करेगा, आपका फ़ोन ज़्यादा सिक्योर रहेगा, ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगी। आप उसके लालच में आके आप क्या करोगे, उस ऐप को तुरंत आप इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद आप ध्यान से सुनना, जब भी कोई आप ऐप इंस्टॉल करते हो उसके बाद वहाँ पे आपको परमिशन मांगता है ऐप का, तो भाई तुरंत आप परमिशन दे देते हो, जाने अनजाने आपको पता नहीं होता भाई क्या चीज़ है, लेकिन आप तुरंत परमिशन जाके दे देते हो। परमिशन देने के बाद क्या होता है, आपके मोबाइल का जितना भी डाटा होता है वो सारा एक्सेस दूसरे के पास जा सकता है भाई। जो बंदा आपके पास इस ऐप का लिंक शेयर किया, बोला कि भाई आप इसको इंस्टॉल कीजिए,
आपका फोन सिक्योर रहेगा, यहाँ से आप अच्छी खासी अर्निंग करेंगे। यानी कि जो भी कुछ ऐप ऐप की खासियत है, बस इसमें परमिशन मांगता है। परमिशन देने के बाद जितना आपके मोबाइल का डाटा होता है, जीमेल आईडी होती है मेन भाई, मोबाइल की मेन चीज जीमेल आईडी होती है भाई। जीमेल आईडी अगर आप किसी का भी पता कर लेते हैं साथ में इसका पासवर्ड, तो भाई दूसरे फोन को ट्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल हैक कर सकते हैं, उस फोन को घर बैठे लॉक कर सकते हैं और ख़राब भी कर सकते हैं, इतना पार होता है जीमेल आईडी भाई। तो बाई चांस आपने उसको इंस्टॉल किया, परमिशन दिया, सारा डाटा उसके पास पहुंच गया, जो आप भाई जो बंदा आपके पास ऐप शेयर किया था, बोला कि डाउनलोड कर लो, अब भाई वो घर बैठे आपके व्हाट्सएप पर, यानी कि आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग बात कर रहे हो, वॉइस कॉलिंग बात कर रहे हो, मोबाइल में कॉलिंग बात कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप YouTube चला रहे हो भाई, आप यहाँ से चला रहे हो, लेकिन जो दूसरा पर्सन है जो आपका फोन हैक किया है, आपने परमिशन दिया उस ऐप को। हाँ, एक बात खासियत, उस ऐप का परमिशन देने के बाद क्या होता है, वो ऐप वहाँ से सीधा गायब हो जाता है। गायब होने के बाद आप ढूंढ नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा जानकार इंसान होगा वही इस ऐप को ढूंढ पाएगा, वरना कोई ढूंढ नहीं पाएगा। रहता तो मोबाइल में लेकिन ढूंढ नहीं पाएगा भाई, आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा तभी मिलेगा भाई। ऐप गायब होने के बाद अब आप क्या करोगे, कुछ कर नहीं पाओगे, यही बोलोगे हटाओ, गया तो गया, हमारा कैश में लॉस है, कुछ नहीं लॉस है, लेकिन आपका सबसे बड़ा लॉस है आपके फ़ोन हैक हो गया। हैक होने के साथ साथ अब आप अपने फ़ोन में क्या कर रहे हो, दूसरा पर्सन देख रहा है आपका डाटा, सारा एक्सेस कर रहा है अपने मोबाइल में, एक्सेस कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है आप डाटा, एंड साथ में लीक कर सकता है, एंड कुछ भी कर सकता है, आपका फ्रॉड कर सकता है। तो भाई इस प्रकार अपने फ़ोन को आप बिल्कुल सिक्योर कर सकते हो, बिल्कुल अपना फ़ोन दूसरे पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा बचा के रखना है। आज के दिन में भाई फ़ोन हर कोई बंदा हैक कर सकता है। व्हाट्सअप तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, मैं बात कर रहा हूँ फ़ोन की, फ़ोन आराम से भाई कोई दूसरा पर्सन आपका हैक कर सकता है, उसमें कोई राय नहीं है। तो भाई इस प्रकार अपने फ़ोन को दूसरे से बचाइए, एंड कोई भी आपके पास कोई भी ऐप थर्ड पार्टी ऐप शेयर करता है, बोलता है भाई कि उसको डाउनलोड करो, तो पहले डाउनलोड करने से पहले आप यूट्यूब पर जाइए एंड सर्च कीजिए उस ऐप के डिटेल्स के बारे में, तो अच्छे से जानकारी नॉलेज लेने के बाद उस ऐप का इस्तेमाल करें। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए हो तो दिल से लाइक करना, मन से कमेंट करना, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा रोज टेक एंड क्राफ्ट्स एंड सिक्योरिटी का अपडेट सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो सब दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।